नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपना कूलिंग टावर के पास कनेक्शन करना है, ठीक है। तो अभी अपन कोर कटिंग मशीन लगाए हैं और अपने को इधर 2.5 इंची का पाइप डालना है जो कि UPVC। तो अभी आप देख सकते हैं जो कि पहले GI पाइप था, इसको कटिंग करके अपन निकाल दिए हैं। और इसमें क्या हो रहा था ना, जो जंग पकड़ लिया था, 15 साल पुराना पाइप था तो टंकी में। तो अभी अपन पुराना जो पाइप था GI उसको कट करके अपन निकाल दिया और अपने को इधर UPVC का 2.5 इंची का पाइप डालना है। और ये कूलिंग टावर का काम था, जो कूलिंग टावर का इनलेट कनेक्शन देना था मोटर में, ठीक है। तो नीचे अपना पानी का टाकी है, तो उसमें से अपना 5 HP का मोटर है क्रप्टन का, तो इसमें अपन कनेक्शन कर दिए हैं और यहाँ से अपन ऊपर से इसका फिटिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये अपन जो भी पाइप लाइन था वो सब अपना 2.5 इंची का UPVC का पाइप था। और इधर अपना कोर बिट भी लगाए, जो कि 3 इंची का कोर बिट लगाए और इसमें अपन 2.5 इंची पाइप आसानी से डाल सकते हैं और मसाला भी चारों तरफ से आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो जो कोई भी कनेक्शन हो तो अपन, ये पूरा टंकी RCC था तो इसमें अपन कनेक्शन कर दिया। जैसे इसमें भी कनेक्शन करना उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो अभी अपन कोर बिट लगाए हैं और इसको कनेक्शन अभी होने के बाद कैसा दिखता है अभी आप देख सकते हैं, जो कि सब पाइपलाइन जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये अपना मोटर है, जो कि मोटर भी अपना 5 HP का मोटर है और यहाँ से UPVC का पाइपलाइन आगे डाल दिया आगे तक, ठीक है। और जो पाइपलाइन था ना, सब अपना सुप्रीम कंपनी का पाइप और फिटिंग था, लोकल कंपनी का नहीं है और सब सुप्रीम कंपनी का। इसमें पाइप और फिटिंग और बाल बाल्टी हेयर वो सब सुप्रीम कंपनी का ही डाला है। तो भी आप देख सकते हैं जो कि 2.5 इंची का पाइप है और इसमें तो अभी अपन जो भी कनेक्शन करना था कनेक्शन अपन कर दिए और बाल बाल भी डाल दिए और टंकी का जो होल था होल भी पैक हो गया, ठीक है। तो मोटर का कोई भी मोटर है, कितना भी HP का, ठीक है। तो अपन मोटर का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब।